नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एजुट्यूबर्स फॉर यू में। MPPSC मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और 5 नंबर के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह से हमें 5 नंबर 11 नंबर में आंसर राइटिंग करना है, यह आपको अभी लाइव आंसर राइटिंग करके यहाँ दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों पर हमने यहाँ पर 5 नंबर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आंसर लिखने का प्रयास किया है। तो हमने इसकी जो है भूमिका यहाँ बना दी है, अंग्रेज़ों के अत्याचार के विरुद्ध 10 मई 1857 को मेरठ की पावन धरती पर शुरू हुआ विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का प्रथम और अंतिम आंदोलन हो सकता था यदि इसके निम्न कारण ना हुए होते। तो हमने इस तरह से इसके असफलता के कारण लिखा है। पहला है संगठन का अभाव, शिक्षित वर्ग की उदासीनता, अधिकांश नरेशों और सामंतों का राजभक्त बने रहना, निश्चित उद्देश्य का अभाव, राष्ट्रीय भावना की कमी। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की कमी रही थी क्योंकि बदले की भावना ज़्यादा रही थी। छठवां है कुशल नेतृत्व का अभाव, क्रांतिकारियों के पास सीमित साधनों का होना, सैनिकों का अत्यधिक उग्र स्वरूप इसमें दिखाई दिया था। इस वजह से असफलता के जो कारण हैं वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1857 क्रांति के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालिए। अठारह संतावन क्रांति के सामाजिक कारणों का क्रोध रूपी जो लावा है 10 मई 1857 को मेरठ की धरती पर उद्गारित हुआ। पहला है अंग्रेज हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी निर्दयी मानते थे। सेकंड है 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश और ईसाई धर्म का प्रसार, क्योंकि 1813 में ईसाई धर्म का जो है भारत में प्रवेश की इन्हें अनुमति मिल चुकी थी। इसके बाद में इन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। तीसरा है लेक्स लोकी कानून, 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित कर लेक्स लोकी कानून बनाया गया। इसमें ईसाई धर्म की प्रभावीता दिखाई दी क्योंकि इस कानून में धर्म परिवर्तन करने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी और विशेषकर यदि ईसाई धर्म को यदि परिवर्तित होता था, यदि कोई ईसाई धर्म अपनाता था तो उस पर कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं दिखाई देती थी। फोर्थ है सामाजिक सुधार की कुछ नीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि को जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वे सामाजिक रीति रिवाज में इसे हस्तक्षेप समझते थे। पांचवा है धर्म परिवर्तन के लिए स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। तो इन्हीं कारणों से जो है सामाजिक कारणों के आधार पर 1857 क्रांति जो है हम मान सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का है। ये ब्रिटिश सरकार के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्ष 1947 तक नारी शिक्षा की प्रगति का क्रमिक विकास बताइए। Thank you.
तो दोस्तों हमने ब्रिटिश सरकार की प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्ष 1947 तक नारी शिक्षा की प्रगति का क्रमिक विकास हमने इसमें 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है। 11 नंबर के आंसर किस तरह से हमें देना है, इसका हमने 11 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर जो है लिखने का प्रयास किया है। ब्रिटिश शासनावधि के प्रारंभिक समय में गिनी चुनी महिलाएं ही शिक्षित थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिलाओं के शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आकर भारतीयों ने स्त्री शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन यह मात्र उच्च वर्ग तक ही सीमित था। 1830 के आसपास क्रिश्चियन मिशनरियों व भारतीय समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी व ज्योतिबा फुले के प्रयासों में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं। पहला है क्रिश्चियन पादरियों द्वारा रेवरेंड विद्यालय की स्थापना की गई। सेकंड है विलियम कैरी द्वारा श्री रामपुर में बालिका विद्यालय की स्थापना 1819 में की गई। तीसरा है कलकत्ता फीमेल जुबेनाइल सोसाइटी द्वारा 23 बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। चौथा है श्रीमती विल्सन द्वारा सेंट्रल स्कूल की स्थापना 1826 में की गई। पांचवा है नौरोजी द्वारा 1849 में बंबई में और ज्योतिबा फुले द्वारा 1848 में पूना में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। छठवा है 1854 में वुड के घोषणा पत्र में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में भारत भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना बनाई गई, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। सातवां है 1882 में हंटर शिक्षा आयोग ने महिला शिक्षा के पर्याप्त सुधार की रूपरेखा बनाई। आठवां है बेटन के प्रयत्नों से शिक्षा विभाग को महिला पाठशालाओं की स्थापना शुरू की। एनी बेसेंट ने 1904 में बनारस सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। दसवां है 1916 में दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ग्यारहवां है हार्टो कमेटी 1927-29 ने शिक्षा प्रसार हेतु अनेक सुझाव दिए। बारहवां पॉइंट है विभिन्न संगठनों जैसे ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस 1926, ऑल इंडिया एजुकेशन कांग्रेस आदि की स्थापना की गई। तेरहवा पॉइंट है महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार हेतु शारदा एक्ट 1929 पारित हुआ। फोर्थ हमारा जो अगला पॉइंट है, पुणे में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज 1881 में इसकी स्थापना की। और यहाँ हमने एक निष्कर्ष के तौर पर लिख दिया है 1947 तक महिला शिक्षा का प्रतिशत 8% था और स्त्री शिक्षा से संबंधित लगभग 17,000 शिक्षण संस्थाएं थीं। तो इस तरह से हमने 11 नंबर के आंसर को लिखने का प्रयास किया है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रारंभिक दिनों से लेकर 1947 तक की नारी शिक्षा का जो भी विकास क्रम रहा है, इसके बारे में हमने 11 नंबर के आंसर में हमने लिखने का प्रयास किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 11 नंबर के ही कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उनके आंसर किस तरह से हमें लिखना है 11 नंबर के अकॉर्डिंग। दो पेजों में ही हमें शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए लिखना है, वो हम लिखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।